इस शख्स के शरीर पर पिटाई के ये निशान बताते हैं कि कैमूर पुलिस अब पुलिस नहीं रह गई, जो किसी को भी किसी भी आरोप में उठाकर इतना पीटती है कि वो चलने फिरने लायक नहीं रह जाता। बाकी एक व्यक्ति का मानव अधिकार चूल्हे में जाए। कैमूर पुलिस की ये हरकत उसके चाल और चरित्र को समझने और समझाने के लिए काफी है कि पुलिस कितना पीपल फ्रेंडली है। बिहार के कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने एक साइकिल चोरी के आरोप में एक सब्जी बेचने वाले को पहले उठाकर थाने में बंद किया, फिर 3 दिनों तक इतनी पिटाई की कि युवक की हालत बिगड़ गई। युवक की हालत बिगड़ता देख इंसान से हैवान हो चुकी कैमूर पुलिस ने उसे घर छोड़ दिया। 3 दिन लगातार 10-10 लोग इसके सीने पर 3 लोग चढ़े, बेंच पे लोटा करके इसके कमर पर चुत्तर पीट पर 100 डंडा 100 लाठी से मारा गया। इसको पैर में डोर बांध के टांग के अंग्रेजों के जमाने में जैसे मारे जाते थे लोग, उस तरह से मारा ये आदमी। खड़ा होकर मरवाया थाना प्रभारी, अपने हाथों से मारा। पीड़ित युवक का नाम फिरोज फारूकी है और वो दुर्गावती बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता है। एक दिन देर शाम जब फिरोज सब्जी बेचकर घर जा रहा था तो उसी रात एक साइकिल की चोरी हो गई। साइकिल चोरी की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी की जांच की और उसी के आधार पर सब्जी बेचने वाले फिरोज को पूछताछ के लिए थाने ले गई, जहां उसे पुलिस ने 3 दिनों तक बांधकर पिटाई की। जब फिरोज की तबीयत खराब हो गई तो उसे घर छोड़ दिया गया। फिर घर वाले फिरोज को डॉक्टर के पास ले गए, वहां डॉक्टरों ने क्या कहा ये आप सुनिए। फिरोज फारूकी 36 इयर्स ओल्ड थे, जो फादर का नाम है स्वर्गीय नथनी मियां जी, और ये दुर्गावती के हैं, यही दुर्गावती। तो चोट कैसे, क्या कहाँ कहाँ लगा, क्या है उसकी जानकारी? चोट की जानकारी अब तो विशेष कर थी, लेकिन उनको दोनों बटक्स में पूरा लाल ब्लू पड़ गया था। फिर उनको दाहिने साइड पीठ पे वैसा ही ब्लू निशान था और एक दाहिने बांह पे भी चोट के निशान थे, चोट के निशान जो कि ब्लू कलर। पुलिस की बर्बरता की दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित फिरोज फारूकी पुलिस वालों के सामने 3 दिनों तक हाथ जोड़ता रहा, उनके पांव पड़ता रहा, पर किसी को कोई रहम ना आई। पुलिस की भेस में गुंडा बन चुके शैतानों ने फिरोज की जमकर पिटाई की। पीड़ित कहता रहा कि वो टीवी का मरीज है, फिर भी पुलिस वालों को इस पर दया नहीं आई। चोरी के इल्जाम पर थाने दार हमको बहुत मार मारा, 3 दिन मारपीट के किया, साइकिल के चोरी में इल्जाम में ले जाकर हाजत में बंद कर दिया, मारने शुरू कर दिया हमको, ये बांस लगा कर टांग कर आई लाठी इस पर पीटा, और फिर चौकी पर सुता कर चार आदमी इधर हाथ धरा फिर तर पर मार लाठी मार रहा था। 11 बजे रात को हम बड़ी चिल्ला रहे थे कि यार ये भाई ये बाबू के हमारे बचाए जल्दी आवा जाओ, हमारे की नहीं मर गई कोई नहीं बचा। इस घटना के बाद बिहार के कैमूर में इंसान से हैवान बन चुके पुलिस वालों की इस हरकत पर कोई भी पुलिस का अधिकारी कैमरे के सामने आकर अपने पुलिस कर्मियों की इस कुकृत के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। पर हाँ, कैमूर के SP राकेश कुमार ने इतना जरूर बताया कि इस मामले को लेकर जांच के आदेश SDPO को दे दिए गए हैं, जाँच के बाद विधि सम्बद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल यह है कि अगर किसी पर चोरी या डकैती या किसी अपराध का आरोप लगता है या वो आरोपी ही क्यों ना हो, तो क्या पुलिस को किसी की पिटाई का अधिकार है? अगर है तो कैमूर पुलिस का कोई भी अधिकारी यही बात कैमरे के सामने आकर बोले तो हम भी जाने सचमुच कैमूर पुलिस दिलेर है।
न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।